थानाधिकारी सत्यवान सिंह ने मात्र 5 दिनों में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर ये सिद्ध कर दिया है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 5 दिन पहले पुलिस कस्टडी में फरार हुए आरोपी को सरवाड़ पुलिस ने अवैध हथियार एवं चोरी के मोटरसाइकिल के साथ फतेहगढ़ चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सरवाड़ पुलिस ने अवैध हथियार एवं चोरी के मोटरसाइकिल के साथ फतेहगढ़ चौराहे से गिरफ्तार कर अपने ऊपर लगे दाग को धोने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक व्रत कुमार बंसल के निर्देश अनुसार अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार के साथ वीडियो फोटो अपलोड कर आमजन में दहशत फैलाने का माहौल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम केकड़ी और सरवाड़ थाने के गठित टीम ने सरवाड़ थाना अधिकारी सत्यवान सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए पुलिस अभिरक्षा में फरार शातिर बदमाश मोइन चौहान को अवैध हथियार व चोरी के मोबाइल मोटरसाइकिल के साथ फतेहगढ़ चौराहे से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल जयराम हेड कांस्टेबल राजेश मीणा गश्त करते हुए सवन चौराहा पहुंचे, तब हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने थाना अधिकारी को फोन कर सूचना दी कि अजमेर रोड फतेहगढ़ चौराहे के पास एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा है जो कहीं जाने के फिराक में है। सूचना मिलने के साथ ही थाना अधिकारी सत्यवान सिंह मैं जाप्ते के साथ तुरंत प्रभाव से फतेहगढ़ चौराहे पर पहुंचे और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची मोटरसाइकिल पर बैठा युवक मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर भागने लगा, जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक देसी कट्टा मिला और साथ ही एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास जो मोटरसाइकिल मिली वो भी चोरी की है। अब आपको बता दें कि आरोपी मोइन चौहान 5 दिन पहले लेटवॉक के जाने के दौरान पुलिस कर्मियों को धक्का देकर सरवार थाने से भाग गया था, जिसको पुलिस ने खूब तलाश लिया लेकिन फरार हुआ आरोपी कहीं नहीं मिला। लेकिन 5 दिन पहले अभिरक्षा से फरार हुए मोइन चौहान उर्फ पांचों को सरवार पुलिस ने गिरफ्तार कर चेन की सांस ली।